दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम रिव्यू करेंगे एक बजट एंड्रॉइड फोन का जो कि है सैमसंग गैलेक्सी J5। ये तकरीबन 11,000 रुपए की प्राइस में आपको मिल जाएगा और 11,000 रुपए में इसके अंदर कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं, हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके रिव्यू की स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के साथ। अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो 11,000 रुपए में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस फोन में मिल रही है। पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बैक कवर मिलेगा जो कि मैट फिनिश है, साथ ही साथ एजेस थोड़े से राउंडेड है जिससे आपको एक बेहतर ग्रिप मिलेगी और फोन ज़्यादा भारी नहीं है। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत सिमिलर है। जैसे आपने सैमसंग के फ़ोन पहले देखे होंगे बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो। अगर हम इसके हार्डवेयर की बात करें तो इसमें आपको क्वाड कोर का सीपीयू मिलेगा, 1.5GB की रैम मिलेगी और तकरीबन 8GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। अगर हम इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 8GB में से सिर्फ आपको 3.5GB फ्री मिलेगा जिसमें आप एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम आती है तो इसमें माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी है और कनेक्टिविटी वाइज इसमें 2 सिम कार्ड के स्पॉट हैं और दोनों पे आप 4G चला सकते हैं। तो ये 4G रेडी फोन है जो कि एक अच्छी बात है 11,000 रुपये में। और बैटरी तकरीबन 2600 mAh की बैटरी है जो कि आपको तकरीबन एक दिन का बैकअप आराम से दे देगी। अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो 13 MP का कैमरा आपको पीछे मिलता है जो कि एक ऑटो फोकस कैमरा है जिससे आप बेहतर फोटोज ले सकते हैं लो लाइट में और डे लाइट में और भी अच्छे फोटोज ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको LED फ्लैश मिलता है लो लाइट फोटोज के लिए जिससे आप लो लाइट और डार्क लाइट में भी फोटोज ले सकते हैं। अगर हम इसके लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर लाउड है लेकिन बहुत लाउड नहीं है। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो फ्रंट कैमरा इसमें 5 MP का है और एक अच्छी बात जो है यहाँ पे वो ये है कि इस फ्रंट कैमरा के साथ आपको एक LED फ्लैश भी मिल रहा है। तो लो लाइट में अगर आप फोटोज बेहतर लेना चाहते हैं, डार्क लाइट में फोटोज बेहतर लेना चाहते हैं तो आप फ्रंट LED फ्लैश का यूज भी कर सकते हैं। अदरवाइज 5 MP का फ्रंट कैमरा एक अच्छी फोटो आपको देगा लो लाइट में भी और साथ साथ डे लाइट में भी। अगर हम इसकी UI की बात करें तो इसमें टचपीस UI डाला आ रहा है जो कि कस्टम UI है एंड्रॉइड के ऊपर जो आप बाकी सैमसंग के फोन पर भी आपने शायद देखा होगा। और ये UI स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है इनिशियल यूसेज में, लेकिन अगर आप इस फोन को 2 महीने 3 महीने 6 महीने यूज करेंगे तो आपको इस UI में लैग दिखेगा। अगर हम फोन की परफॉर्मेंस बात करें डे टू डे यूसेज में फोन की परफॉर्मेंस बढ़िया है, आप हर तरह का काम इसमें कर सकते हैं, फेसबुक ट्विटर ब्राउजिंग सब कुछ स्मूथली हो जाता है। साथ ही साथ आप इसमें हाई डेफिनेशन का वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, हाई डेफिनेशन का वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें होने के बावजूद अगर आप गेमिंग की बात करें तो गेमिंग इस फोन की थोड़ी सी वीक है। इसमें आप गेम्स खेल सकते हैं, कैजुअल गेम्स खेल सकते हैं, हाई डेफिनेशन गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन जो गेम जिनके अंदर हैवी ग्राफिक्स हैं जैसे कि मॉडर्न कॉम्बैट 5, नोवा 3, इस तरह के गेम्स इस फोन के ऊपर बहुत ज़्यादा लैग करेंगे। एस्पेक्ट 8 इस फोन पर चल जाता है अगर आप जानना चाहें इस बात को। तो अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो फोन का ओवरऑल कॉम्पैक्ट बढ़िया है, फोन की परफॉर्मेंस डे टू डे यूसेज में बढ़िया है। एक नॉर्मल यूजर के लिए जो बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेलता है, बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन गेम नहीं खेलता है, उसके लिए फोन बिल्कुल बढ़िया है। और सैमसंग की तरफ से है तो आपको आफ्टर सेल सर्विस भी बेहतर मिलेगी बाकी और फोन के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं इस फोन के स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज इस फोन के अंदर थोड़ी सी वीकनेस पॉइंट है क्योंकि 8GB की स्टोरेज है, सिर्फ 3.5GB मिलता है और साथ ही साथ माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड में इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ एप्लीकेशन आप फोन मेमोरी से माइक्रो एसडी मेमोरी कार्ड में मूव कर सकते हैं। 1.5GB की रैम है जिसमें से तकरीबन 600MB रैम आपको फ्री मिलेगी और 600MB रैम फ्री मिलने के बाद फोन रिस्पॉन्सिव रहेगा, स्मूथ रहेगा और आराम से चलेगा बिना किसी लैग के इनिशियल यूसेज में, लेकिन लॉन्ग टर्म यूसेज में फोन में UI लैग आ जाएगा। अगर हम इस फोन की कुछ फिजिकल चीज़ों के बारे में बात करें जिसके अंदर सैमसंग ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो है इसके टच कैपेसिटी बटन्स बॉडी के अंदर है लेकिन उसमें बैटरी LED नहीं है। तो सैमसंग ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है और इन बटन्स को सिल्वर पेंट किया है तो डार्क रूम में आप इनको लोकेट नहीं कर पाएंगे। कनेक्टिविटी इसमें बढ़िया है, 4G के कनेक्टिविटी इसमें दी गई है। बैटरी बैकअप तकरीबन एक दिन का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिलेगा। तो ओवरऑल ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बढ़िया है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करें हार्डवेयर वाइज। तो हार्डवेयर वाइज ये फ़ोन थोड़ा सा कम है बाकी और फोन से जो कि 11,000 रुपये में मिलते हैं। डिस्प्ले साइज 5 इंच है जो कि अच्छी बात है लेकिन डिस्प्ले की क्लैरिटी बाकी और फोन से बहुत बढ़िया है।
तो ये रहा इसका कंप्लीट रिव्यू। हमने इस चीज़ की, इस फोन की सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया है, अच्छी बातें और बुरी बातें। अगर कोई भी चीज़ हमने मिस करी है तो प्लीज़ उनको बताइए। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको लिखिए और मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।